हेलो फ्रेंड्स, द गनू किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेडमी पूरी और आलू की सब्जी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए उड़द दाल, मैंने यहाँ पे 100 ग्राम उड़द दाल ली है, आधा छोटी चम्मच जीरा, 15-16 मैंने यहाँ पे काली मिर्च के दाने लिए और 4 मैंने लाल मिर्च लिए, सूखी लाल मिर्च लिए। इनको मैं सभी को रोस्ट कर लूंगी। अब इन सभी को हम रोस्ट कर लेंगे। हमें ज्यादा नहीं सेकना, सिर्फ हल्की हल्की नमी दूर करनी है। काली मिर्च, जीरा और मिर्च भी हम इसमें डाल लेंगे। हल्का रोस्ट करना है। ना हमने यहाँ पे दाल भिगोई है ना कुछ, सिर्फ हमने इसको दाल को टावल से पोंछा। अब दाल हमारी अच्छी रोस्ट हो गई है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसके बाद इसको हम पीसेंगे। अब दाल हमारी ठंडी हो गई है, इसे हम पीसेंगे। डाल देते हैं ब्लेंडर में। अब दाल हमारी हल्की दरदरी है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 पिंच हींग, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन। अब इन सबको डाल के मैं थोड़ा दरदरा और कर लूंगी इनको भी, और दाल भी हमें अभी हमारी थोड़ी सी हल्की मोटी है, थोड़ी ये भी पिस जाएगी। दाल हमारी अच्छी पिस गई है एकदम बढ़िया से। हमने अजवाइन और ये जो हमने सौंफ डाली है, हमने पहले इसे नहीं डाली ताकि अच्छी चूरन हो जाए, थोड़े दिखने चाहिए उस पर। जब पूरी हमारी बनेगी तो उसके ऊपर अजवाइन सौंफ आएगी तो अच्छी लगेगी दिखने में भी और खाने में भी। मैंने यहाँ पे लिया 400 ग्राम गेहूं का आटा। अब मैं इसमें डालूंगी सूजी आधा कप और ये हमारा इंस्टेंट मिक्स। आप ऐसा मिक्स बना के रख लें और जब आपका मन करे आप बेडमी पूरी बनाएं और खाएं। अब इसमें डालूंगी मैं नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच घी, 2 चम्मच तेल। आप चाहे तो सारा घी भी यूज कर सकते हैं। अब इन्हें मैं मिला लूंगी। अब आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी लिया है। अब इससे मैं अपना आटा लगा लूंगी और एक सॉफ्ट डो लगाऊंगी, क्योंकि इसमें हमने दाल मिलाई है। अगर ज्यादा हम टाइट लगाते हैं तो और ज्यादा टाइट हो जाएगा आटा। अब हमारा सॉफ्ट डो तैयार है। अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा तेल और इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी, ताकि मेरी दाल है जो अच्छे से फूल जाए और आटा भी अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हम बना लेते हैं आलू की सब्जी, बिल्कुल जो आगरा और मथुरा में बनती है बेडमी पूरी के साथ वैसी। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला 2 चम्मच तेल, बड़े चम्मच। अब इसमें डालूंगी मैं हींग का इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और बहुत ही अच्छी लगती है इसके अंदर। आप भी जरूर डालें। डालूंगी जीरा आधा चम्मच। अब इसमें डालूंगी मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्च बारीक काट ली। गैस कम कर देंगे मीडियम और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने बारीक काट लिया। गैस को आप मीडियम रखना। अब यहाँ पे मैंने लिए 1 कटोरी टमाटर जो मैंने बारीक कट कर लिया। अब टमाटर हमारे भून रहे, तब तक मैं अपने बेसन को भून लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन लिया, इसे हम हल्का भून लेंगे। अब बेसन भी हमारा भून गया है। अब मैं गैस को कर दूंगी ऑफ और इसे पैन में रहने दूंगी, क्योंकि पैन हो गया अभी हमारा गर्म है। टमाटर हमारे गलने शुरू हो गए, इन्हें हम अच्छा तेल में गलाएंगे। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच हल्दी। अब इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1 चम्मच, इन्हें मिला लूंगी। नमक स्वाद के अनुसार आधा चम्मच लिया मैंने। काली मिर्च
आधा चम्मच। अब इन सबको मैं अच्छे से मिला लूंगी और अपना मसाला अच्छे से भून लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ी कसूरी मेथी। अब मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है, मसाले में तेल भी छोड़ दिए। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये भुना हुआ बेसन, अच्छे से मिलाऊंगी। बेसन डालने के बाद हम इसे लगातार हिलाना ताकि बेसन में लम्स ना पड़े। अब मसाला आप देख सकते हैं मेरा एकदम परफेक्ट भून गया। अब यहाँ पे मैंने उबाल लिए आधा किलो मीडियम साइज के आलू जो मैंने बॉईल कर लिए। अब इन्हें मैं फोड़ लूंगी, ज्यादा चूरा नहीं करना, हल्के मोटे रखने आलू। अब ये आलू मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छे से हम मिला लेंगे। अब आलू को मैंने अच्छे से मिला लिया। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। मैं इसमें डालूंगी एक से डेढ़ गिलास पानी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रेवी को गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अब इसमें हलवाई जैसा टेक्सचर देने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर, इससे ही और डालूंगी आधा चम्मच गरम मसाला। इन्हें मैं मिला दूंगी और अपनी सब्जी को 5 से 10 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। अब आटे को भी हमारे 20 मिनट हो गए, अच्छा आटा फूल गया, सेट हो गया। अब मैं थोड़ा सा तेल लेके इसे मसल लूंगी। आटा हमारा बिल्कुल एकदम बढ़िया है, जैसा हमें पूड़ी के लिए चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं। अब मैं इनकी लोई तो बना लूंगी। पूड़ियाँ आप अपने मनपसंद बना सकते हैं, छोटी बड़ी, हम मीडियम साइज की बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारी सब्जी भी बिल्कुल तैयार है, एकदम परफेक्ट बनी है। आप देख सकते हैं इसका लुक, बिल्कुल हलवाई वाला कलर आया है इसके अंदर। अब गैस को कर दूंगी मैं ऑफ। अब हम अपने पेड़े भी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया, यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया। अब मैंने ये लोइयां बना ली है, अब मैं इन्हें बेलना शुरू करती हूँ। पहले मैं चकले को थोड़ा चिकना कर लूंगी ताकि हमारी पूड़ी चिपके ना, और इन्हें बेलना शुरू करती हूँ। अब मैंने ये बेल लिए, अब बाकी भी मैं बेलूंगी। चकला सिर्फ आप एक बार चिकना करें और 3-4 पूड़ी उसी पे बेलें, बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ब्रेड में पूरी जो होती है थोड़ी सी मोटी थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो थोड़ी मीडियम बना रहे हैं। हल्की सी मोटी ही अच्छी लगती है। अब मैंने यहाँ 4 पूड़ियां बेल ली है और तेल भी हमारा अच्छा गर्म है। अब मैं इन्हें एक एक करके फ्राई करती हूँ। पूड़ियां बनाते समय हमेशा ध्यान रखें तेल अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि हमारी पूड़ी अच्छे से फूले। गैस को हमें मीडियम या लो कुछ नहीं करना, गैस को हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। सेव को डाल देते हैं और इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब ये वाली जो हमारी पूड़ी है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे मैं निकाल लूंगी। मैंने चारों निकाली, बाकी मैं बेलूंगी। आप देख सकते हैं मेरी पूड़ी के अंदर सौंफ अजवाइन की दिख रही है, क्योंकि हमने इसे दाल के साथ नहीं, दाल एक बार थोड़ा पीसने के बाद डाला, इसलिए हमारी दिख रही है। आप भी इस तरीके से पीसे, ये दिखने में अच्छी लगेगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। मैंने सभी पूड़ियाँ बना ली है, ये वाली भी हमारी फ्राई होने वाली है। गैस को कर देंगे हम ऑफ। सभी पूड़ी हमारी बन गई। अब इसमें डाल दूंगी मैं हरा धनिया। मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। अब हमारी ब्रेड भी पूरी और आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, एकदम बढ़िया परफेक्ट सीखी है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। टेक केयर।